Hello, students. Welcome to the online class. This is the first part of the chapter, Excretory Products and Their Elimination. In this part, we are going to cover homeostatic devices, osmoregulation, excretion, types of organisms, excretory system in different organisms, excretory system in human beings. Okay, so let's start. First of all, homeostatic devices. To self-regulate the body temperature, we need internal body devices called as homeostatic devices. होम्योस्टैटिक डिवाइसेस क्या होते हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रेगुलेट फॉर्म में रेगुलर फॉर्म में रखने के लिए हमें अपने बॉडी के अंदर में सर्टेन ऐसे डिवाइसेस का यूज़ होता है जिन्हें हम होम्योस्टैटिक्स डिवाइसेस कहते हैं ठीक है ना ये हेल्प करते हैं ये डिवाइसिस जो होते हैं अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है डिवाइस इन सन ऑर्गन्स अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करके रखते हैं ओके द टू होम्योस्टैटिक मेकानिज़म इन द बॉडी इज ऑसमोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन जो दो ऐसे डिवाइसेस है जिनके थ्रू हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है उसमें से पहला है आपका जो प्रोसेस है मैकेनिज्म है वो आपके ऑसमो रेगुलेशन के थ्रू होता है और दूसरा आपका एक्सक्रीशन के थ्रू होता है ठीक है तो ये दोनों प्रोसेस ये दोनों मेकानिज़म क्या करते हैं हमारे बॉडी के होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कहलाते हैं जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं वो रेगुलेट करते हैं और मैंटेन करके रखते हैं कंट्रोल में रखते हैं ओके सो द फर्स्ट इज ऑसमो रेगुलेशन द प्रोसेस इन विच अ सुटेबल इंटरनल मीडियम इज मेनटेन फॉर नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ बाई रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बिटवीन द बॉडी फ्लूड एंड द एक्सटर्नल मीडियम इज कॉल्ड ऑसमो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन से मतलब होता है कि आ, आपका बॉडी का जो भी आ, वाटर होता है उसको क्या करता है वो मेंटेन करके रखता है ठीक है ना वाटर और आयन जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको होल्ड करने के प्रोसेस को हम ऑसमो रेगुलेशन कहते हैं ठीक है थीके? ये क्या करता है हमारी बॉडी का जो भी वाटर लेवल होता है और आयन्स होता है उनको क्या करता है वो होल्ड करके रखता है उनको बॉडी से आ, स्क्र... स्क्रीट आउट नहीं होने देता और बॉडी में मेंटेन करके रखता है ठीक है तो प्रोसेस इन विच अ सूटेबल इंटरनल मीडियम इज मेंटेन फॉर अ नॉर्मल लाइफ एक नॉर्मल लाइफ के लिए बॉडी के अंदर के वाटर और आयंस को क्या करता है ये होल्ड uh, करके रखता है उन्हें मेंटेन uh, करके रखता है ठीक है अगर हमारी बॉडी से वाटर का लेवल कम हो जाएगा तो बॉडी में हमारा डिसऑर्डर होगा एंड दैट विल बी भी डिसऑर्डर इज नोन एज ओडिमा उसमें क्या कहते हैं ओडिमा कहते हैं ठीक है तो हमारी बॉडी में वाटर जो होता है क्योंकि सेवेंटी परसेंट हमारी बॉडी में वाटर है एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रेगुलेट दैट अमाउंट इन द बॉडी ओके सो फॉर रेगुलेटिंग दैट अमाउंट ऑसमो रेगुलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम विच हेल्प्स अस टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इट मीन्स आयस क्या करता है ये दोनों चीज़ें क्या करता है रेगुलेट करता है हमारी बॉडी का ओके द टर्म वॉज फर्स्ट कॉइन बाई हॉबर इन नाइनटीन हंड्रेड एंड टू सबसे पहले इसको किसने कॉइन uh, किया था हॉबर ने डिस्कवर uh, किया था नाइनटीन हंड्रेड टू में उन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी का uh, जो वाटर uh, लेवल है उसको रेगुलेट करने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम रेगुलेशन कहते हैं Okay the next is excretion the process of removal of waste products from the living body is called excretion जैसे हमारे बॉडी में वाटर लेवल को होल्ड करके रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं वैसे ही हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है ठीक है क्योंकि वेस्ट मटेरियल अगर हमारी बॉडी में रहेंगे तो इट विल क्रिएट अ टॉक्सिन एंड विच विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव ऑल द वेस्ट मटेरियल्स आप अगर अपने घर में कुछ भी सड़ा गला वेस्ट मटेरियल रखते हैं तो कुछ दिन बाद बदबू मारने लगता है और उसके बाद क्या होता है उसमें से छोटे छोटे माइक्रोब्स उसमें लगने लगते हैं एंड इट विल क्रिएट अ डिजीज़ वो क्या होता है डिजीज़ क्रिएट कर कर सकता है ठीक है इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं अपने घर से हमेशा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं सेम एज हमारी बॉडी का भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़रूरी था अदरवाइज इट विल क्रिएट डिसऑर्डर्स इन साइड आर बॉडी ओके दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्योंकि हम फूड खा ले रहे हैं Uh, कई तरीके के फूड लेते हैं कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें से कुछ ऐसा उसके मेटाबॉलिज्म के कारण में उसके डाइजेशन के कारण में उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बॉडी में ज़रूरत नहीं होती है एंड दैट इज़ नेम्ड एज वेस्ट मटेरियल ठीक है वो हमारा क्या होता है वेस्ट मटेरियल होता है एंड इट इट हैज़ टू बी एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर बॉडी ओके टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट अब वेस्ट जो होते हैं आपके वो कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में पहला तो अमोनिया होता है अमोनिया जब हम खाना लेते हैं तो फूड जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स में जो चेंज होता है तो जो वेस्ट बचता है वो आपका अमोनिया हो सकता है यूरिया हो सकता है यूरिक एसिड हो सकता है ठीक है इन तीनों में से जो भी वेस्ट होगा वो हमारी बॉडी से क्या होता है वो स्ट्रीट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ओके द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर नाइट्रोजीनियस वेस्ट अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अकॉर्डिंग किस किस तरीके के नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया द फर्स्ट इज अमोनोटेलिक एनिमल्स पहले क्या कहते हैं अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं सच एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर प्रिंसिपल वेस्ट आर कॉल्ड अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म ऐसे uh, आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ये क्या होते हैं आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में इस तरीके का प्रोसेस देखा जाता है जो कि अपने बॉडी से अमोनिया को एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं ठीक है तो जो ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स और इस प्रोसेस को एक्सक्रीटिंग आउट ऑफ अमोनिया ठीक है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अमोनोटेलिज्म क्या कहते हैं इसे अमोनोटेलिज्म ठीक है तो अमोनिया जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रिडक्शन फॉर्म ऑफ जब वो एक्वेटिक uh, ऑर्गेनिज्म जब होते हैं जब वो अमाइनो uh, ग्रुप को रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज करते हैं या अमाइनो uh, ग्रुप को जब डेमिनेट uh, करते हैं तो उन्हें क्या प्रोड्यूस होता है तब अमोनिया प्रोड्यूस होता है ठीक है अमोनिया जो होता है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है इट इज़ अ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस और ये क्या होता है कि ईजली सॉलीबल हो जाता है ठीक है ना क्योंकि ईजिली वो सॉलीबल रहता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहता है आ, लार्ज क्वांटिटी में वाटर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में इसको ज़रूरत पड़ती है ठीक है ना तो इस कारण इसमें क्या होता है इसलिए इसको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी एक्वाटिक एनिमल्स के बॉडी में अगर अमोनिया प्रेजेंट रहेगा जो कि रिड्यूसड फॉर्म होता है अमाइनो ग्रुप का ठीक है तो जैसे ही वो बनता है तो उसको बॉडी से तुरंत वो एक स्ट्रीट आउट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में एक तो वाटर लेता है बहुत जल्दी सॉलीबल हो जाता है पूरी बॉडी में और इट इज़ हाईली टॉक्सिक बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है टॉक्सिक होता है दैट इज़ वाई इट इज़ नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी इमीजिएटली ठीक है ना इस इस प्रोसेस को हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम अमोनोटेलिज्म जनरली ये आपके एक्टिक ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है जैसे एक्वटिक प्रोटोजुवानस हो गए स्पॉन्जेस हो गए सिलेंट्रेटाज हो गए और जो भी अदर एक्वेटिक इंटवर्टिब्रेट्स होते हैं फ़िशेज हो गए कुछ फ़िशेज में भी ये देखा जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अमोनोटेलिज्म ओके okay. ये जनरली बॉडी से डायरेक्ट स्क्रीट आउट हो सकता है इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है डायरेक्ट बॉडी से ये लोअर ऑर्गेनिजम क्या करते हैं अपने बॉडी से डायरेक्ट I mean, आपके वेस्ट मटेरियल को डायरेक्ट जैसे अमोनिया को होता है डायरेक्ट एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं ठीक है द सेकेंड इज ओरियो सॉरी यूरियोटेलिक एनिमल्स सेकेंड क्या होता है आपका यूरियोटेलिक एनिमल्स सच ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट आउट द यूरिया एज देयर मेजर वेस्ट आर कॉल्ड यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिया को अगर अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स और इस फेनोमेना को इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरियोटेलिज्म इसे हम क्या कहते हैं यूरियोटेलिज्म कहते हैं ठीक है थीके? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया को अपनी बॉडी से अगर नहीं निकाल पाते तो वो क्या करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके पास में कैपेबिलिटी नहीं होती अमोनिया को अपने बॉडी से डायरेक्ट डायरेक्टिट आउट करने की तो वो क्या करते हैं अमोनिया को चेंज कर लेते हैं यूरिया के फॉर्म में किसके फॉर्म में चेंज कर लेते हैं यूरिया के फॉर्म में ठीक है तो यूरिया क्या होता है लेस टॉक्सिक होता है इन द कम्पेरिजन ऑफ अमोनिया ठीक है अमोनिया के कम्पेरिजन में यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है और वो सिक्स टू ट्वेल्व आवर्स के लिए हमारी बॉडी में ईजिली अवेलेबल रह सकता है कि अगर हम यूरिया को अगर सिक्स टू ट्वेल्व आवर्स के लिए अपने बॉडी में से नहीं निकाल पाते तो भी कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में नहीं होगी ठीक है ना कोई डिफिकल्टी नहीं होती इसलिए वो क्या करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्ट अमोनिया को अपनी बॉडी से नहीं निकाल सकते तो चेंज दैट अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड इट कैन बी केप्ट इन आवर बॉडी फॉर सिक्स टू ट्वेल्व आवर्स ठीक है सो द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया जो अमोनिया को हम कन्वर्ट कर रहे हैं यूरिया में वो होता कहाँ पे है लीवर में होता है एंड बाई अ प्रोसेस स्कॉलडस ओरिनीथिन साइकिल इसे क्या है? cycle कहते हैं ऑर्नीथिन साइकिल कहते हैं या फिर यूरिया साइकिल कहते हैं ये आगे हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इंटू यूरिया इसकॉल्डस ऑर्नीथिन साइकिल और यूरिया साइकिल इसे हम कहते हैं ओके सो द रिमूवल ऑफ यूरिया फ्राम द बॉडी इज़ कॉल्ड एज यूरियोटेलिक यूरियोटेलिज्म ओके द थर्ड इज़ यूरिकोटेलिक एनिमल्स यूरिकोटेलिक एनिमल्स में क्या होता है ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं वेस्ट एज अ वेस्ट मटेरियल दैट एनिमल्स दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल्स क्या कहते हैं उन्हें हम यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम यूरिकोटेलिज्म कहते हैं क्या कहते हैं यूरिकोटेलिज्म कहते हैं ठीक है एक्चुअली यूरिक एसिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा लेस सबसे ज़्यादा कम टॉक्सिक होता है ठीक है इन कंपैरिजन टू यूरिया एंड अमोनिया ठीक है अमोनिया और यूरिया के कंपैरिजन में यूरिक एसिड जो होता है बहुत कम टॉक्सिक होता है और वो इजली कई घंटों के लिए कई आर्स के लिए हमारी बॉडी में अवेलेबल रह सकता है विदाउट हार्मिंग द बॉडी ओके सो द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट एक्सप्रीट आउट द अमोनिया और यूरिया फ्राम देर बॉडी सो दे चेंज दैट अमोनिया इन टू यूरिक एसिड क्या करते हैं अमोनिया को यूरिक एसिड में चेंज कर लेते हैं एंड यूरिक एसिड जो होता है वो लेस अमाउंट ऑफ वाटर लेता है वो जल्दी सॉल्यूबल भी नहीं होता है तो इट कैन बी केप्ट इन आवर बॉडी फॉर आवर्स वो अपने बा, हमारी बॉडी में काफ़ी घंटों के लिए रह सकता है ठीक है एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के तो ये जनरली बर्ड्स डेजर्ट्स वर्टिब्रेर्स जो होते हैं इंसेक्ट्स हो गए रेप्टाइल्स हो गए इन सब में जो होता है वो यूरिको ह्यूमन बींग्स हो गए उनमें सब में आपके यूरिक एसिड जो होता है वो एज अ वेस्ट मटेरियल आपका काम रहता है और उसको क्या करते हैं निकालते हैं ठीक है ना इस प्रोसेस को हम यूरिकोटेलिज्म कहते हैं ठीक है तो सो रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी एज अ वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म ओके द नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स Uh, हमारे uh, पूरे सिस्टम में कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने का सिस्टम जो होता है वो अलग अलग होता है दिस सिस्टम्स आर ऑफ थ्री टाइप्स द फर्स्ट वन इज़ जनरल बॉडी सरफेस सिस्टम पहला क्या होता है आपका जनरल बॉडी सरफेस सिस्टम होता है यानी इसमें क्या होता है कि इससे आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि अमोनिया ये आपका जनरली वाटर एनिमल्स में ज़्यादातर देखा गया है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा देखा जाता है इससे आपका क्या होता है कि डायरेक्ट बॉडी से अमोनिया जो होता है वो एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है ठीक है किसी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती है दे एक्सक्रीट आउट देयर वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी दे डोंट नीड एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन उनको किसी भी तरीके के कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है अमोनिया उनकी बॉडी में फॉर्म होता है और बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से अमोनिया को क्या करते हैं वो बाहर निकाल देते थे तो दे एक्सक्रीट आउट द अमोनिया द एज अ वेस्ट मटेरियल फ्राम देर फ्रॉम देयर बॉडी डायरेक्टली डायरेक्टली वो क्या करते हैं अमोनिया को अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं ठीक है दे डोंट नीड एनी एक्सक्री एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ठीक है एक्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक प्रोटोजोमस हो गए स्पॉजेस हो गए या सिलेंट्रेटाज हो गए ये सब आपके एग्जाम्पल हैं जनरल बॉडी सरफेस के उन क्या करते हैं उनके बॉडी में जो भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसको डायरेक्टली अपनी बॉडी से वो स्क्रीट आउट कर सकते हैं दे डोंट नीड एनी अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ओके तो बॉडी से जो एक्सक्रीशन हो रहा है उस दैट इज कॉल्ड एज जनरल बॉडी सरफेस सिस्टम एक्सक्रीशन का द सेकेंड इज़ सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम ठीक है ना इसमें क्या होता है सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम्स में अगर हम देखा जाए तो ऑर्गेनिजम के बॉडी के अंदर में बहुत सारे ट्यूब्स फॉर्म होते हैं ठीक है ना एंड uh, ये सारे के सारे ट्यूब्स क्या करते हैं वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं ठीक है इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स में जो आपका एक्सक्रीशन जो होता है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू होता है दैट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ट्यूब्स इन्हें क्या कहते हैं ट्यूब्स कहते हैं जो कि बहुत सिंपल फॉर्म में होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता बहुत सिंपल होते हैं नॉर्मल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सारे के सारे ट्यूब्स जो होते हैं बॉडी से पूरे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं थ्रू एलिमेंट्री कैनाल में जा करके चाहे एलिमेंट्री कैनाल के, के थ्रू हेल्प करें या डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ठीक है ये ट्यूब्स क्या करते हैं या तो एलिमेंट्री कैनाल में जा करके वेस्ट मटेरियल को गिरा देते हैं डंप करते हैं, फिर वहाँ से निकल जाता है या तो फिर डायरेक्ट बॉडी से वो बाहर कर देते हैं ठीक है दिस टाइप ऑफ सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम जो होता है वो जनरली आपके प्लाटी हेलमेंथीज एनलीड्स और आर्थोपोडास में ज़्यादा जा, देखा गया है प्लेटी हेलमेंथीज में ये फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है जो ट्यूब स्पेशल स्ट्रक्चर होता है प्लाटी हेलमेंथीज में उसे हम फ्लेम सेल कहते हैं आपके एनलीडाज में जो स्पेशल स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी के लिए होता है उसे हम नेफ्रीडिया कहते हैं और प्रॉन्स में जो स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीटरी के लिए उसे हम ग्रीन ग्लैंस कहते हैं और कॉकरोचेज में अगर ये होता है तो इसे हम मेलफीजियन टिब्यूल्स कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम मेलफीजियन टिब्यूल्स कह सकते हैं फ्लेम सेल का आप डायग्राम देख सकते हैं दिस इज द डायग्राम इज गिवन ओवर यर द फ्लेम सेल ये आपका फ्लेम सेल का डायग्राम है इसमें सिंपल जैसे कि प्लेटी हेलमेन में आपका फ्लेम सेल देखा गया है इसमें होता क्या है आपके दिस टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे ये जनरली छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं इन ट्यूब्स को हम सीलिया कहते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं इन ये आपके क्या होती हैं फ्लेम जैसे दिखती हैं कैसे दिखती हैं फ्लेम जैसी फ्लेम आपने देखा होगा जब आप गैस ऑन करते हैं तो फ्लेम निकलती है ना फायर की वैसे ही ये सीलियाज जो होते हैं ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि फ्लेम जल रही हो ठीक है ना तो ये क्या होते हैं इसी की बॉडी के बाहर में यहाँ पर क्या होता है आपका ये अमोनिया यहाँ पे अमोनिया आपका डेवलप हो रहा है अमोनिया बन रहा है ये फ्लेम सेल्स क्या करते हैं ये फ्लेम्स जो होती होती हैं सीलियाज होते हैं ये सारे अमोनिया को क्या करते हैं वो ग्रैप करते हैं सारे अमोनिया को इकट्ठा करते हैं इनके पूरे बॉडी में फ्लेम सेल्स ऐसे ये चीज़ हर जगह पे इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होता है ठीक है ये पूरी बॉडी में इस तरीके से प्रेजेंट होता है यहाँ पे बॉडी के नीचे के साइड में ट्यूब होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है ये सारे के सारे फ्लेम सेल्स क्या करते हैं ये सारा वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं इस ट्यूब्स में डंप कर देते हैं और ये ट्यूब से क्या होता है बॉडी से बाहर निकल जाता है ठीक so, uh, है सो बाय दिस प्रोसेस प्लेटी हेलमेंथीज अपनी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देते हैं ठीक है तो so, ये यू कैन सी दिस इज़ ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है डायग्राम में देखिए ये पोर्शन जितना दिख रहा है यहाँ पे आपके आ, अमोनिया वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होगा ये आपके जो ये लाइंस दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज सीलिया या फ्लेम कह सकते हैं आप इन्हें ये फ्लेम क्या करते हैं आ, सारा वेस्ट मटेरियल सारा अमोनिया क्या करते हैं इसको ग्रैप करते हैं कैप्चर करते, करते हैं और नीचे में ट्यूब्स होती हैं उसमें जा कर के डंप कर देते हैं ये ट्यूब्स क्या करती है बॉडी से बाहर सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल देती है ओके आ, ऐसे ही आपके कॉकरोचेज में प्रेजेंट होता है कॉकरोचेज में भी सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आ, इनको क्या करते हैं बॉडी से बाहर जो होता है वो डंप आउट कर देते हैं जैसे कि आपके कॉकरोचेज में भी ये जो एलिमेंट्री कैनाल इनकी दी होती है ये एलिमेंट्री कैनाल में सर्टेन सीलिया जैसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं सारा का सारा वेस्ट मटेरियल ग्रैप करते हैं और रेक्टम पे जा करके गिरा देते हैं ठीक है ना जो भी आपका कोलोन होता है रेक्टम होता है कोलोन पे जाकर के डंप आउट कर देते हैं और उससे रेक्ट वो रेक्टम में ट्रांसफर कर दिया जाता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ओके सो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है आपके कॉकरोच की उसके पास वहाँ पर आपके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें वो सीलिया कहते हैं ठीक है ये आपके मेलफीजियन ट्यूब कहलाते हैं ये सीलिया क्या कहलाते हैं मेलफीजियन टिब्यूल्स कहलाता है ये ट्यूब्स क्या करते हैं बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको लेते हैं और इसको आ, कोलोन में जा कर के ड कर देते हैं ये कोलोन जो होता है वो रेक्टम पे जा कर के ओपन होता है और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है ठीक है इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर इस तरीके से ये दिस इज़ दी ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये आपके मालफीजियन ट्यूब्यूल्स हो गए ये कोलोन हो गया और आगे की तरफ में रेक्टम प्रेजेंट होता है और यहाँ से एनस के थ्रू ये रेक्टम हो गया ये आपका कोलोन हो गया ठीक है ना इस तरीके से यहाँ से सारा का सारा वेस्ट मटेरियल आएगा और ये कोलोन से जाते हुए रेक्टम से होते हुए बाहर एन से बॉडी के बाहर स्क्रीट आउट हो जाएगा ठीक है सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉकरोच कॉकरोच में इस तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो आपके देखा जाता है ओके आई होप दिस इज क्लियर टू यू सिंपल ट्यूब्यूल सिस्टम हम किसे कहते हैं नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर सिस्टम कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर सिस्टम जो होता है वो आपका हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है इसके लिए स, आ, जो ऑर्गन यूज होता है वो आपका किडनी होता है किडनी जिसे हम यूनिफेरस टिब्यूल भी कहते हैं या फिर न, इनके अंदर यानी किडनी के अंदर में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके थ्रू क्या होता है ये किडनी के अंदर में जो सर्टेन ट्यूबूलाइस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं या फिर यूनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं ये टिब्यूल्स क्या करते हैं जितने भी हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं ठीक है सो कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर सिस्टम आपके हायर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है जैसे कि आपका ह्यूमन बींग्स में हो गया ये बीन शेप की किडनीज होती हैं दो किडनीज पेयर पेयरें प्रेजेंट होती हैं दोनों तरफ में दोनों तरफ में बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट किडनी आपका सारा एक्सक्रीट मटेरियल एक्सक्रीट आउट करती है और राइट हैंड साइड बॉडी का राइट right किडनी जो होती है वो आपके पूरा मटीरियल uh, जो होती है वो एक्सक्रीट आउट करती है पूरी राइट साइड की बॉडी से ठीक है स्ट्रक्चर आपके तीनों uh, दिया हुआ है किस तरीके से कैसे होता है आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू अब हम कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर सिस्टम को स्टडी uh, करेंगे किस तरीके से कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर सिस्टम आपका होता है किडनी के बारे में देखेंगे सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो आपका किडनी के थ्रू होता है किसके थ्रू होता है किडनी के थ्रू होता है ठीक है सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज दो किडनी कंसिस्ट करता है टू यूरेटर्स दो यूरेटर्स होते हैं वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा क्या है? होता है वन यूरेथ्रा होता है और आपका एक यूरिनरी ब्लैडर होता है ठीक kidney. है ना आई शो यू सी दिस इज़ द फर्स्ट किडनी दिस इज़ द सेकेंड किडनी दो किडनीज यूज़ होती हैं वन यूरिनरी ब्लैडर यूज़ होता है दिस इज़ कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर एक यूरिनरी ब्लैडर यूज़ होता है आपका टू यूरेटर्स यूज होते हैं दिस ये आपकी जो ये ट्यूब देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिस आर कॉल्ड एज यूरेटर टू यूरेटर्स यूज होते हैं एंड वन यूरेथ्रा एक क्या यूज़ होता है यूरेथ्रा ये जो आपका ये दिख रहा है नीचे की तरफ में ये दिस दैट दा, पाइप छोटा सा यहाँ से क्या होता है ये दिस इज कॉल्ड एज यूरे यूरेथ्रा इसे हम क्या कहते हैं यूरेथ्रा कहते हैं ठीक है सो so, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का होता है वो थ्रू किडनीज होता है ये बीन शेप की पेयर में प्रेजेंट होती हैं इसमें आपके दो आपका जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज टू यूरेटर्स वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा ठीक है इतनी चीज़ें कंसिस्ट करता है अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें किडनी कैसे लोकेटेड होती, होती है कहाँ पर लोकेट होती है सो द किडनीज आर प्रेजेंट बिलो द ट्वेल्थ थोरेसिक ट्वेल्थ थोरासिक हमारी बॉडी के एबडामिनल कैविटी में जो एबडामिनल uh, कैविटी के बाद में क्या थोरेसिक कैिटी जो स्टार्ट होती है उसके ट्वेल्थ थोरासिक थोरेसिक जैसी एंड होती है जैसी थोरासिक कैविटी एंड होती है ट्वेल्थ पार्ट आता है उसके नीचे आपका लुम्बर रीजन शुरू होता है क्या स्टार्ट होता है लुम्बर रीजन शुरू होता है ठीक है ना उसके फर्स्ट लुम्बर uh, से लेकर के थर्ड लुम्बर तक ठीक है बिलो द ट्वेल्थ थोरासिक फ्रॉम फर्स्ट लुम्बर वर्टिब्रा से थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा तक के बीच में किडनी आपकी प्रेजेंट होती है सो इफ यू टॉक अबाउट द किडनी दिस इज द किडनी ये आपके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों क्या हैं लुम्बर वर्टिब्रा का रीजन है फोर्थ फिफ्थ भी आता है पर किडनी सिर्फ हमारे फर्स्ट से लेकर के थर्डर लुम्बर वर्टिब्रा के बीच में इतनी ही छोटी होती है जो कि फर्स्ट से लेकर के थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा के बीच में आ जाती है ठीक है सिचुएटेड होती है लेफ्ट किडनी जो होती है स्लाइटली अपर इट uh, जो आपकी लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली ऊपर होती है तो आप दोनों में देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है राइट किडनी स्लाइटली डाउन एंड लेफ्ट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी ऊपर के साइड में होती है ठीक है तो सो द लेफ्ट किडनी स्लाइटली अपर एंड द राइट किडनी स्लाइटली लोअर क्यों बिकॉज ऑफ Uh, क्या होता है राइट वन इज़ पुश्ड बाय लीवर अब आपके राइट किडनी की तरफ में क्या होता है आपका लीवर प्रेजेंट होता है राइट साइड में क्या होता है राइट साइड में अगर आपके देखें तो ऊपर की तरफ में लीवर प्रेजेंट होता है जिसके कारण में क्या होती है राइट right साइड के जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े थोड़े नीचे खसकते जाते हैं ठीक है तो किडनी हो जाती क्या हो जाती है वो अपने प्लेस से थोड़ा सा नीचे एग्जैक्टली थर्ड लुम्बर से थोड़ा सा नीचे रहती है नॉट अबाउट अप टू फोर्थ नहीं रहती पर फिर भी थर्ड लुम्बर से थोड़ा सा नीचे के साइड में वो सिचुएटेड होती है ठीक है सो द राइट किडनी जो होती है वो आपकी थोड़ा सा डाउन नीचे की तरफ शिफ्ट होती है और जो लेफ़्ट किडनी होती है वो ऊपर की तरफ में रहती है ठीक है मेजरमेंट अगर हम देखें तो आपकी जो किडनी ईच किडनी जो होती है वो बहुत ही स्मॉल और कॉम्पैक्ट इन नेचर होती है फाइव uh, इंच की किडनी होती है आपकी वेट अगर हम वेट की बात करें तो वन हंड्रेड ट्वेंटी से लेकर के वन हंड्रेड सेवेंटी ग्राम मेल्स की किडनी का वेट होता है एंड 120 हंड्रेड ट्वेंटी टू वन हंड्रेड फोर्टी ग्राम जो होता है वो फीमेल की किडनी का वेट होता है ठीक है तो ये सिर्फ आपके फाइव इंच की किडनी होती है बीन शेप में होती है लाइट रेडिश ब्राउन कलर की होती है टेन सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है और फाइव सेंटीमीटर इसकी ब्रैथ होती है थ्री सेंटीमीटर नियर अबाउट उसकी थिकनेस होती है और मेल में ये वन ट्वेंटी से वन सेवेंटी ग्राम के बीच की होती है फीमेल में ये वन ट्वेंटी से वन फोर्टी ग्राम के बीच में वेट होता है इसका ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सटरिटी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इंटरनल एंड स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी टिल हियर ओनली दिस मच थैंक यू